जानवी कपूर हो गई इमोशनल श्रीदेवी के बारे में बात करते वक्त। जानवी के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था जब उन्होंने धड़क के प्रमोशंस की शुरुआत की। दिस फिल्म इज हिंदी अडॉप्टेशन ऑफ मराठी हिट सैरात। उनका कहना है कि वेटरन एक्टर श्रीदेवी चाहती थी कि वो इस फिल्म का पार्ट हो। इस फिल्म को डायरेक्टर शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है जबकि मराठी में इसे नागराज मंजुले ने बनाया था। फिल्म करण जौहर की ही प्रोड्यूस थी। जानवी की डेब्यू फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है, लेकिन जब 54 साल की उम्र में श्रीदेवी की फरवरी में डेथ हो गई तब जानवी का ये डेब्यू फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर देखने के बाद जानवी ने कहा कि मैंने सैरात अपनी माँ के साथ घर पे देखी थी और मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पहली फिल्म ये हो या फिर तुम ऐसा ही कुछ स्क्रीन पर कर सको। मेरा और माँ का बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था और वो चाहती थी कि मैं ये रोल करूँ। उसके बाद करण जौहर ने कॉल किया और ये फिल्म हो गई। जब जानवी से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी माँ से कुछ टिप्स लिए हैं तो जानवी ने कहा कि हाँ, मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ और उनकी सबसे बड़ी और हेल्पफुल टिप यही थी। उन्होंने कहा था कि मेहनत करो और हर इमोशन को फील करो। वहीं जब उनसे पूछा गया बोनी कपूर उनके फादर से क्या उन्हें कुछ टिप्स या एडवाइस मिली है, तो जानवी का कहना था कि उन्होंने कोई टिप्स नहीं दी बल्कि उन्होंने मुझे सपोर्ट और प्यार दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल फिल्म में रिंकू राजगुरु और आकाश थोसर ने फिल्म के लीड रोल प्ले किए थे। इस फिल्म में एक तरफ है जानवी कपूर, दूसरी तरफ होंगे शाहिद कपूर के कजन ईशान खट्टर। ये फिल्म 20 जुलाई को रिलीज होगी और ये फिल्म दोनों ही एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी और खास साबित होगी।